नमस्कार दोस्तों, जय मां भारती। बात करते हैं पाकिस्तान के इलेक्शन के नतीजों की। नतीजे आने शुरू हो चुके हैं और तस्वीर साफ उभर के आ चुकी है। इमरान खान का पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 120 सीटों से ज्यादा पर आगे चल रही है। वहीं नवाज शरीफ की पार्टी PMLN केवल 60 सीटों पर आगे चल रही है। बात करें अगर PPP की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जो कि भुट्टो की पार्टी है, वो 40 सीटों पर आगे चल रही है और MQM केवल 8 सीटों पर आगे चल रही है। हाफिज सईद, जिसने की 265 कैंडिडेट उतारे थे मैदान में, उसकी पार्टी अल्लाहू अकबर पार्टी एक भी सीट जीतने में या लीड लेने में नाकामयाब रही है। उसका हाल बहुत बुरा हो चुका है। हाँ दोस्तों, हाफिज सईद मुंबई हमलों का गुनहगार, UN द्वारा ऑफिशियली टेररिस्ट घोषित हाफिज सईद एक भी सीट जीतने में नाकामयाब रहा है। पाकिस्तान की जनता ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। इन नतीजों से पता चलता है कि पाकिस्तान की जनता भी टेररिस्ट के साथ नहीं है, आतंकवादियों के साथ नहीं है। दोस्तों शाम को मिलेंगे पाकिस्तान इलेक्शन रिजल्ट्स के डिटेल्ड एनालिसिस के साथ और उसका इंपैक्ट भी देखेंगे आने वाले दिनों में इंडिया के ऊपर क्या होगा। जय मां भारती, जय।